हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स में लेंस को आगे पढ़ रहे हैं। तो लेंस के बारे में अब तक हमने तीन चीजें पढ़ ली, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और ग्राफ ऑफ लेंस एज वेल एज मिरर। मतलब हमने ग्राफ्स बनाना सीखे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तुम रिवाइज कर सकते हो, खुद से ग्राफ बना सकते हो। आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं जिसे कहते हैं विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? इट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। प्रैक्टिकल चीज मतलब लेबोरेटरी के अंदर हम फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडिंग डालते हैं। ये फोर्थ थिंग है जो हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये किस लिए यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। यूज्ड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, नीट और जेई दोनों में ही प्रैक्टिकल चीजों पर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे, तो ये दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, यूजली एक कैंडल बना देते हैं, ठीक है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन जिस पर हमें इसकी एकदम क्लियर इमेज बनानी है। कैसे बनानी है? बीच में हमें एक लेंस रखते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, और अब हमारा काम क्या होता है कि इस कन्वर्जिंग लेंस को मूव करना है और इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहां पर बनानी है। ओके, तो आपने याद हो कि कन्वर्जिंग लेंस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते थे तो इमेज फोकस पे बनती थी, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते थे इमेज दूर जाती जाती थी, अगर ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रखते थे तो इमेज 2f डिस्टेंस पे बनती। तो अगर एकदम मिड पॉइंट पे रख के इमेज बन गई, एकदम मिड पॉइंट पे रख के इमेज बन गई, तो तुम समझ जाओगे कि ये डिस्टेंस भी 2f है और ये डिस्टेंस भी 2f है। तो अगर लेंस को मिड पॉइंट पे रख के इमेज बन गई तो अपने को सबसे आसान केस होगा, ठीक है? तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस है, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, टोटल डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये केस अगर हो जाए कि आपने जो डिस्टेंस ली, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता नहीं है तो हम डिस्टेंस अंदाजे से लेते हैं, बड़ी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है? तो अगर डिस्टेंस हमने कुछ रखी और बाय चांस मिड पॉइंट पर रखने से इमेज क्लियर बन गई, तो इमेज सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और अपने को ये 2f ये 2f मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता नहीं है तो हम पहले से डी को इतना परफेक्टली फिट नहीं कर पाते। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए यह बताना पड़ेगा कि इस डी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2f, ठीक है? इक्वल टू तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पास लाने पर इमेज दूर शिफ्ट होती जाती थी, ठीक है? तो दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अदरवाइज ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस बड़ी ही होगी। याद करो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रख दिया तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनती है? फोकस। तो यूजली रियल के केस में, रियल इमेज के केस में सभी में ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये काफी बड़ी आएगी। तो बड़ी आएगी तो बस कितना ध्यान रखना है कि जितनी भी फोकल लेंथ का अंदाजा है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ तो अंदाजा होगा, ये वैल्यू उससे बड़ी रखते हैं। अगर नहीं रखोगे तो इमेज नहीं बनेगी, तो पता चल जाएगा कि हम गलत कर एक्सपेरिमेंट। जो भी है, स्टार्टिंग में हमें एफ की वैल्यू पता नहीं है तो हम लेंस इतना परफेक्टली नहीं रख पाते। तो हम लेंस को मूव करते हैं यहां से यहां तक पूरे में, और मूव करके देखते हैं कि किस पॉइंट पर इस कैंडल या जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइट हो सकती है कोई, इसकी एकदम शार्प इमेज स्क्रीन पर बन रही है। और उन डिस्टेंसेस की मदद से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? ये जो लेंस है। तो जब मुझे नहीं पता कि लेंस कहां रखना है, तो मैं किसी रेंडम पॉइंट, किसी रेंडम डिस्टेंस एक्स पे रखूंगा और फिर एक्स को चेंज करता रहूंगा, एक्स को चेंज करता रहूंगा और होप करूंगा कि किसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगी। तो लेट्स अज्यूम
कि ये एक्स को जब मैं चेंज कर रहा था तो किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर इमेज बन गई ओके। तो ये कौन सा केस रहा होगा, ये अगर आप देख के अंदाजे से बनाना चाहो कि भाई यहां से एक रे आई होगी और वो कहीं पर फोकस से पास हुई होगी, फोकस हमें पता तो नहीं है, अंदाजे से कुछ बना सकते हैं कि फोकस यहां कहीं हो, ठीक है। तो अंदाजे से एक ऐसे रे निकाल दी, दूसरी रे इधर ले आए, ठीक है, और ये वाली रे ऐसे लाके और इसको पैरेलल भेज दिया। तो देखो अंदाजा लगाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अंदाजा लगाने में एक प्रॉब्लम है कि मेरा फिगर ठीक नहीं बन रहा, पर कोई बात नहीं, हमें इतना नहीं सोचना है, मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को रखने पर एक्स डिस्टेंस पर लेंस ने इमेज बना दी स्क्रीन के ऊपर, ओके। तो हमको क्या चीज पता है फॉर्मूले में, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमें क्या पता है कि हमने कितनी डिस्टेंस ली थी, और हमें क्या पता है कि हमने लेंस को कितनी डिस्टेंस पर रखा कि इमेज बन गई, ठीक है। जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, नाउ आई कैन ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एफ। कैसे कर सकता हूं, देखो बच्चों, अगर ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, कैसे गिवन है, मैंने स्केल से नाप ली कि एक्स की किस वैल्यू पर इमेज परफेक्ट बनी है, तो टेक्निकली मुझे यू पता चल गया, यू की वैल्यू कितनी हुई, यू की वैल्यू हुई -x। लेंस से एक्स डिस्टेंस पीछे जब ऑब्जेक्ट है तब इमेज कहां पे बना रहा है वो लेंस, तब वो बना रहा है कितनी डिस्टेंस पर, बच्चों ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस डी पता थी, ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली तो ये वाली डिस्टेंस हो गई डी माइनस। तो बेसिकली अगर u की वैल्यू माइनस एक्स रख रहे हैं तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल d माइनस एक्स। तो नाउ वी नो कि इन कंडीशंस पर ये लेंस इमेज बना देता है, हर लेंस के लिए ये कंडीशन हम फाइंड कर लेंगे, थोड़ा लेंस को आगे पीछे खिसका के, और अब हमें पता है कि u की वैल्यू माइनस एक्स पर ये लेंस v की वैल्यू कितनी लेता है, डी माइनस एक्स। और इतना पता चलते ही हम लेंस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/v - 1/u = 1/f। मुझे ये तक पता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी है प्लस एफ नॉट, ठीक है, तो मैं इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1/-x, सॉरी v की वैल्यू 1/d-x -1/-x = 1/f। ये ध्यान रखना पूरे टाइम कि हमारा मोटिव किसको कैलकुलेट करना है, इस फोकल लेंथ को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, d माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f, ये भी कट गया, बड़ा अच्छे से फॉर्मूला बनता जा रहा है, d इंटू एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और थोड़ी सी मेहनत करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो। तो जब भी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो हमारी इमेज परफेक्ट बन जाएगी, ओके। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है तो एक्स की एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, ऐसी दो सिचुएशंस होंगी जहां पर ये लेंस सक्सेसफुली इसकी इमेज यहां पर बना देगा। दूसरी सिचुएशन मैं ड्रॉ करता हूं, तो बच्चों मैंने अंदाजे से लेंस की एक और पोजीशन ऐसी बना दी जिस पर लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की परफेक्ट इमेज बना दी। कैसे पता मुझे, ऐसे दो केसेस आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आ सकते हैं, दो रूट आ सकते हैं। तो एक कंडीशन की रूट कब आएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट तभी आते हैं जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैथ्स नहीं है तो भी याद करने की कोशिश करो, 10th में पढ़ाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू गेट अ इमेज, बी स्क्वायर कितना है, एक्स के साथ जो टर्म होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है डी एफ, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या बनेगा ये, डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4df, डी से डी कैंसिल,
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, पर ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. ओह माय गॉड, माय मिस्टेक, ये मैंने 4f लिखना चाहिए था. ठीक है, कितना डिस्टेंस, 4f, 4f से ज्यादा होना चाहिए तभी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा. एनीवे याद है 2f ये लिया था, 2f ये लिया था, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के लिए ये डिस्टेंस ग्रेटर देन 4 टाइम्स द फोकल लेंथ होनी चाहिए. पर ठीक है, लेट्स से हमें ये चीज पता है और हमने उससे ज्यादा डिस्टेंस रखा है, तो अब x की दो अलग अलग वैल्यूज पर, एक वैल्यू मानते हैं x1 और दूसरी वैल्यू मानते हैं x2, x की दो अलग अलग वैल्यूज पर हमारा लेंथ सक्सेसफुल इमेज बना देगा. तो बच्चों शायद आपको याद हो, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती थी माइनस बी बाई टू के, ये भी टेंथ में पढ़ा था, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता था सी बाई ए. ठीक है बच्चों, टेंथ में पढ़ा था हमने कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए. तो उस लॉजिक से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आने चाहिए, एक एक्स वन और एक एक्स टू. तो एक्स वन प्लस एक्स टू होगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस डी बाई वन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू आ गया डी और एक्स वन एक्स टू आ गया डी एफ बाई वन, तो ये आ गया डी इंटू एफ. अब मुझे सम ऑफ रूट्स पता है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स पता है, तो एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज डिफरेंस ऑफ रूट्स. इसकी वैल्यू लिख सकता हूं मैं अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2. ये कहां से आया, सोचो, इसका स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दिस थिंग कैन बी रिटन एज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का रूट विच गिव्स मी x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 डिपेंडिंग कौन बड़ा है. तो इस केस में हमने किसको बड़ा लिया, x2 को बड़ा लिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1. ओके, ये प्रूफ भी जरूरी नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे. बच्चों ये कौन सी वैल्यू आ गई, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमको लेंस कितनी डिस्टेंस से मूव करना पड़ा, डेल्टा एक्स, वो होगा मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन. तो एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एक्स, एक्स वन प्लस एक्स टू को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल डी, और एक्स वन एक्स टू को क्या लिख सकता हूं. तो दिस इज द फॉर्मूला. अगर आपको ये बता दे कोई कि इस एक्सपेरिमेंट में मैंने लेंस को कितना स्लाइड किया था टू गेट टू परफेक्ट इमेजेस, तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट यहां पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एफ की वैल्यू निकाल सकते हो. बुक्स में इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके एफ की वैल्यू लिखते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर, एफ की वैल्यू लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स डी. इसी को एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया. तो ये तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हें इनमें से कौन सा याद रखना है. अगर तुम क्वाड्रेटिक से सोचोगे तो तुम्हें ये याद रखना आसान रहेगा, और अगर तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो तो तुम इसको याद रखो. अगर तुम्हें क्या मिल जाए, कितना गैप था ये मिल जाए, ओके, और कितना मूव करना पड़ा लेंस को ये मिल जाए. ये दोनों वैल्यूज अगर कोई दे दे आपको तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, आई नो, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम प्रूफ करने जाओगे तो इट विल टेक टू मच टाइम. तो क्या याद रखना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रूट डी स्क्वायर माइनस 4 डी एफ. ठीक है, इतना टफ नहीं है. अगर याद रखोगे, अगर लिख लोगे अभी से नोट्स में कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड हमको अलग से याद रखना है, अदरवाइज इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है. तो अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो फिर क्या कर सकते हो, तो फिर इसको दो बार खुद से प्रूफ करो. दो बार खुद से प्रूफ करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुमको हमेशा याद रहेगा. इसमें दो चीजें समझने की होती है कि x1 plus x2 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, टोटल डिस्टेंस d,
यानी फर्स्ट टाइम अगर टोटल डिस्टेंस मैं कुछ मान लेता हूं 100 सेंटीमीटर, तो अगर x1 की वैल्यू की आई है 40 सेंटीमीटर तो x2 की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम कितना आएगा कैपिटल डी के बराबर, कैसे पता हमको, यहां से पता हमको, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 25 सेंटीमीटर तो कैपिटल डी गिवन है, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 75 सेंटीमीटर। तो बस आपको x1 x2 एक भी गिवन है तो दूसरा निकल गया, उनके बीच का गैप निकल गया डेल्टा x, और जैसे गैप निकल गया आप इसमें पुट करके f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पर यूजली x1 और x2 गिवन नहीं होते हैं, क्योंकि x1 x2 दे देंगे तो दूसरा तरीका भी है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको u इसको v लेके पूरा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो यूजली x1 x2 की वैल्यू गिवन नहीं होती है, वो गिवन होंगी तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वो नहीं गिवन होगी, क्या गिवन होता है कि कितना लेंस को मूव करना पड़ा टू गेट टू परफेक्ट इमेजेस। तो अगर वो भी पता है, डेल्टा एक्स भी पता है, तो आप f = d² - डेल्टा x² / 4d से फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये छोटा सा एक्स्ट्रा मेथड है टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हो गए, एक लेंस मेकर से, एक लेंस फॉर्मूला से, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड से। इसको नोट डाउन करो, एक बार खुद से प्रूव करो और फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ओके चलो इस पर ना एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसके सब लोग यूज टू नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो, अ लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ क्रिएट्स टू रियल इमेजेस ऑन अ स्क्रीन दैट इज 50 सेंटीमीटर from the object, on a screen that is 50 centimeter from the object. ये क्या value दे दी मैंने आपको, सोचना खुद से। If the lens has to be moved by 30 centimeter during the experiment, calculate its focal length. ओके तो मैंने एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज दे दी और अब आपसे पूछ लिया कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ, तो एक बार एक मिनट में खुद से ट्राई कर सकते हो इसको। मैं आपको एक सेकंड का टाइम देता हूं, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और नहीं तो सॉल्यूशन देखो यहां पर। क्या क्या डिसाइड करना है क्वेश्चन में, पहले तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये समझ में आना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है। ये वैल्यू क्या है, स्क्रीन दैट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या गिवन है, द लेंस हैज टू बी मूव बाय 30 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो डेल्टा एक्स कितने से शिफ्ट करना पड़ा उसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। डी और डेल्टा एक्स दोनों गिवन है, तो अब क्या करना चाहिए, आई थिंक अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन 2d। ओके कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50, दैट विल बी 2500 माइनस 900, 1600 डिवाइड बाई 100। बच्चों आ गया आंसर, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ओके तो इजी है, इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है, याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन ये तुमको करना जरूरी है, तो फटाफट नोट डाउन करो। ओके बच्चों नेक्स्ट चीज जो मुझे बतानी है, विच इज आई थिंक द लास्ट थिंग जो हमें लेंस के बारे में पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, किसी चीज की पावर कब बोलोगे ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा पावरफुल है, कोई मशीन ज्यादा पावरफुल है, कब बोलोगे मशीन ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे हिसाब से जब वो मशीन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही, राइट। तो एक लेंस का काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का काम है कि वो रेस को कन्वर्ज कर दे। ओके तो ये रेस को कन्वर्ज कर देता है, तो ये वाला लेंस मान लो इतनी डिस्टेंस पर सम 20 सेंटीमीटर पर रेस को कन्वर्ज कर रहा है, एक दूसरा लेंस है इसने रेस को 10 सेंटीमीटर पर ही कन्वर्ज कर दिया, तो इसकी फोकल लेंथ अगर f1 है और इसकी f2 है तो छोटी फोकल लेंथ किसकी है, इसकी फोकल लेंथ छोटी है, समझ में आती है बात, f2 is actually less than f1, okay? f2 का मैग्नीट्यूड f1 से छोटा है, डेफिनेटली यहां पर तो पॉजिटिव है, तो
छोटा है, तो इसकी फोकल लेंथ छोटी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा कन्वर्ज करता है, कौन सा तेजी से कन्वर्ज करता है, तो क्या आंसर दोगे? ये जल्दी कन्वर्ज करता है इसको, या ये जल्दी कन्वर्ज करता है? तो तुम आई थिंक बोलोगे कि सर ये वाला लेंस ज्यादा जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, ये बेटर है, इसकी पावर ज्यादा है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा है, इसीलिए पावर इज डिफाइंड एज 1/ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। और अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ आपको एसआई यूनिट्स यानी इन मीटर्स पुट करनी चाहिए, ओके? और पावर की यूनिट है डायोप्टर, ठीक है? तो पावर 1 कब होगी, 1 डायोप्टर कब होगी? जब फोकल लेंथ 1, ठीक है? तो फोकल लेंथ इज टेक्निकली इनवर्स ऑफ पावर, या पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। मैंने आपको रीजनिंग दे दी, आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि फोकल लेंथ छोटी है तो जल्दी कन्वर्ज कर दिया, इसलिए हम बोलेंगे कि पावर इसकी ज्यादा है, ओके? पावर पॉजिटिव आएगी कौन से की? कन्वर्जिंग लेंस की। नेगेटिव आएगी कौन से की? डाइवर्जिंग लेंस की, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव होती है, वो चीज आपको याद होगी। अब पावर लेंस की कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपने दो लेंस आगे पीछे लगाए, एक दूसरे से सटे हुए लगाए, तो उनकी पावर एड हो जाती है। यानी अगर आपको पावर कैलकुलेट करना आता है तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है? पहले इसको लिख लो, मैं दोबारा में समझाता हूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हेडिंग डालूंगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चा, नोट डाउन कर लिया, ठीक है? नोट डाउन कर लिया आपने, तो पावर तो याद रहेगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है वो जल्दी कन्वर्ज करता है, ज्यादा जल्दी डाइवर्ज भी करेगा, वही लॉजिक उधर भी लगा सकते हैं। तो यहां पर लेंस, सिंगल लेंस की कहानी खत्म हो जाती है। सिंगल लेंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक डिफेक्ट इन लेंस रह गया, लेकिन वो मैं प्रिज्म के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसमें डिस्पर्जन का यूज आता है, ठीक है? तो डिफेक्ट इन लेंस रह गया, याद रखना। लेकिन अभी के लिए सिंगल लेंस की हमारी बाकी सारी चीजें खत्म हो गई है। अभी मुझे क्या और बताना है आपको? आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को कैसे हैंडल करना है, मतलब एक से ज्यादा अगर लेंस लगा देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस मिरर, ठीक है? ओके, तो ये दोनों अपने को पता होने चाहिए। हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करने को आया तो हम तुरंत फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाए। इस पर नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेई में थोड़ा कम आते हैं, लेकिन नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, जेई में वो वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या करना है, मैंने अभी भी बताया कि अगर दो लेंस एक दूसरे के साथ रख दिए जाते हैं, एक लेंस और उसके जस्ट आगे दूसरा लेंस, ठीक है? एक की फोकल लेंथ F1 है, दूसरे की फोकल लेंथ F2 है, एक की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है, तो इनका कंबाइंड पावर, अगर इन दोनों को हटा के एक सिंगल लेंस लगाना है, तो पावर इक्विवेलेंट विल बी P1 + P2, बस पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब 1/ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो गई? 1/ F1, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल होती है, प्लस 1/ F2। तो बच्चों ये तो तुम भूलने से रहे, ये तो बहुत इजी है। एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव, एक की नेगेटिव भी पॉसिबल है। ऑफकोर्स दो लेंस लगा सकता हूं, कैसे लगा सकता हूं? एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ओके, ठीक है? तो इस तरह से लगाऊंगा तब भी तो F1 F2 लेके, एक का F1 पॉजिटिव हो जाएगा और F2 नेगेटिव हो जाएगा, पर पावर बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें मुझे तुम पर कोई शक नहीं है कि तुम इसे सही कर दोगे। अगर दोनों लेंसेज के बीच थोड़ा सा गैप दिया हुआ, इनके बीच का कुछ गैप दिया हुआ, डी इसकी फोकल लेंथ F1, इसकी F2, तो मैंने तो ये सीखा है कि एक एक करके दो बार रिफ्रैक्शन करा लो, आंसर आ जाता है। लेकिन अगर कभी कभी इसकी इक्विवेलेंट पावर पूछ लेते हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे निकाल लेना, 1/F1 + 1/F2 - D/F1 F2, डी का इस डिस्टेंस का, उनके बीच के डिस्टेंस का रोल आ जाता है। इसका प्रूफ भी है छोटा सा, पर मुझे उसका कोई यूज नहीं समझ में आया, क्योंकि याद ही रह जाए तो बहुत, ठीक है? और इस क्वेश्चन पर मतलब और कहीं कुछ यूज नहीं होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आपको ये यूज करना है, ठीक है? तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं उसका। दोनों फोकल लेंथ सटे हुए रखे हैं तो फोकल लेंथ ऐसे निकालनी है, डिस्टेंस पर रखे हैं तो ऐसे निकालनी है। ये बात खत्म करते हैं यहां पर। ये वाला थोड़ा सा
खतरनाक है। खतरनाक से मतलब है मेरा कि एक लेंस ऐसा और उसके आगे वाली सरफेस को सिल्वर कर दिया, एक लेंस को सिल्वर कर दिया। तो इसको तुम्हें कैसे समझना है, इसको तुम्हें ऐसे समझना है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू अ लेंस एंड दिस इज अ लेंस प्लस मिरर। यहां पे मैं प्लस लगाता हूं, लेंस प्लस मिरर। तो बच्चों जो भी रे आएगी वो एक बार रिफ्रैक्ट होगी लेंस में, ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टिव मान लो ऐसे, फिर एक बार रिफ्लेक्ट होगी मिरर में, यहां पर हुई रिफ्लेक्ट, ठीक है, और फिर वापस से रिफ्रैक्ट होगी लेंस में। तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा, मतलब दो बार लेंस का काम आएगा और एक बार मिरर का, ऐसे याद रखना, दो बार लेंस एक बार मिरर। तो दो बार लेंस और एक बार मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1/f equivalent इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ मिरर, मिरर एक बार, माइनस 2/f ऑफ लेंस, दो बार लेंस, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट आया, अब ये बन क्या गया है, क्या एक लेंस को एक तरफ से सिल्वर कर दिया, तो अब वो एक लेंस है या वो एक मिरर कहा जाएगा, क्योंकि लेंस प्लस मिरर। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि रे आई, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ पर एंड में पीछे ही गई ना, पीछे से आई और पीछे ही गई, तो पीछे से आगे पीछे ही गई, तो इक्विवेलेंट जो बना, दिस थिंग शुड बी ट्रीटेड एज अ मिरर। अगर तुम इस इक्विवेलेंट को फॉर्मूला जो निकाल लिए, अब इसको यूज कहां करोगे, लेंस फॉर्मूले में या मिरर फॉर्मूले में, तो आंसर है इसको तुम मिरर फॉर्मूले में यूज करोगे। कुछ पिक्स में इसको लेंस की तरह यूज करके फॉर्मूला अलग दिखाई देगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हम बहुत क्वेश्चंस चेक कर चुके हैं, इससे सही आंसर आते हैं, ओके, हमसे मतलब है मैं और मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इससे सही आंसर आते, ठीक है। तो अगर एक लेंस और एक मिरर है तो दो बार लेंस में से रे पास होगी इसलिए 2 आया, और एक बार मिरर में से इसलिए बनाया, ये लॉजिक बिल्कुल बनाया हुआ है, ऑफ कोर्स इसको प्रूफ करके आता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे याद रखो, इसको ऐसे ही यूज करो, ओके। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, और हम आई थिंक लेंस को पूरी तरह निपटा दिए इस पॉइंट पर। हमको रिफ्रैक्शन में अब लेंस के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग की अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, पहले प्रिज्म भी खत्म कर लेंगे, ठीक है, प्रिज्म के बाद रिफ्रैक्शन हमारा पूरी तरह खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा ह्यूमन आई, उसके बाद बचेगा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, जिसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ऑफकोर्स। चलो बच्चों, तो रिवाइज करो पूरी वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करो और लगे रहो।